हेलो, नमस्कार। आपका टेक प्रीति चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको अपने वीडियो में एक फाइल होल्डर या कोई भी हम एक ब्लाउज या साड़ी कवर बनाना बता रहे हैं। इसमें जैसे ये मैंने बनाया हुआ है, इसके लिए पॉलीथीन और हमने ये जो कपड़े का बैग है वो लिया है। जैसे आपके घर में पॉलीथीन तो आती है, उसके अंदर किसी तरह की मोटी पॉलीथीन ले लीजिए। और ये कपड़े, ये आपके आजकल पॉलीथीन बंद हो गया है, इसके नुकसानदायक, इसलिए हर जगह आजकल कपड़ों के बैग ही मिलते हैं। इसलिए उस कपड़े की जो बैग का जो कपड़ा होता है, उस कपड़े का हमने इसमें इस्तेमाल किया है। तो इससे क्या है कि आपके जो वेस्ट आइटम है उससे हमने कोई भी चीज़, आपको ये प्रोडक्ट इसका यूज करा है, जिससे वो फिके भी नहीं और घर में उसका इस्तेमाल भी हो जाए। और हम इस तरह का ये बैग है, इसमें कुछ भी हम डाल सकते हैं, चाहे अपने पेपर्स वगैरह डाल लें या फिर इसमें हम अपना कोई कपड़ा या छोटा कुछ भी ब्लाउज वगैरह इसमें कवर के रूप में यूज कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आप सामान अब देख लीजिए, जैसे ये इसके अंदर ये मेरे पास पॉलीथीन है, ये पॉलीथीन का इसमें यूज करा है। कोई भी आप इसके लिए प्लेन पॉलीथीन भी ले सकते हैं, ये पैकिंग वाली है, जैसे पैकिंग में आपके घर में कुछ ना कुछ सामान आता ही रहता है, तो उस सामान के लिए हमने ये पॉलीथीन ले लिया। और इसी के जैसे इस साइज का हमने ये पॉलीथीन लिया, इसी के साइज का हमने ये इसका जो कपड़ा ले लिया, ये भी हमारे इसके अंदर बैग के अंदर हमारा आया था। जैसे विशाल वगैरह, बिग बाजार, अगर आपके जो भी पॉलीथीन आती है, बैग्स आते हैं, उस कपड़े का यूज करके हमने आया। तो इस तरह हमने ये पॉलीथीन और ये कपड़ा ये ले लिया है। साथ में इसको हमको लगाने के लिए एक चैन चाहिए। ये बाज़ार में इस तरह से मिल जाती है, लंबी चैन के रूप में आती है। और इसमें ये रैनर अलग से आता है, रैनर हमने इसमें पो लिया है। ये देख लीजिए, इस तरह के रैनर आपको बाज़ार में मिल जाएंगे। ये सब साइज के चैन के होते हैं, ये छोटे बड़े, जैसे आपकी चैन हो उस साइज का आप इसमें डालिए। इसमें डालने के लिए बस इसकी ये दो नोक खोलिए और इसके अंदर से हम इसको अंदर से उसको डाल लेते हैं। तो ये इस तरह ये चैन के अंदर हमने इसको लगा के रख लिया है। अब मैं आपको इसको बताना कैसे बनाया जाता है, ये आपको सिखा रही हूँ। ये इसमें हमारी सिलाई मशीन का यूज होगा इसके अंदर। आप ये हमारी पैर वाली मशीन है, आप इसमें हाथ की हो, जैसे भी आपके घर के अंदर हो इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं है तो आप कच्चा करके फिर आप इसको सिल सकते हैं, लेकिन इसमें बड़ा टाइम लगेगा, इसलिए बेटर ये होगा कि आप इसके लिए सिलाई मशीन का ही यूज करें। अब सबसे पहले हम इस ये जो कपड़ा है और ये पॉलीथीन है, इसको आपस में जोड़ लेंगे। इस पर हमको सिलाई डालनी है जिससे कि ये आपस में चिपक जाएगी। ये हमने इसमें धागा पिरो के रख लिए हैं और इसको हमने सिलना स्टार्ट कर दिया है। सीधी सीधी सिलाई आपको सिलाई डालनी है धीरे धीरे। जैसे कि पॉलीथीन में जो है सिलना मुश्किल होता है, लेकिन हम धीरे धीरे इसको सिलेंगे जिससे कि ये एकदम से सेट हो जाएगी। इसमें बिल्कुल सीधी सिलाई ले रही है आपको, कुछ भी नहीं करना, और जहाँ मोड़ आएगा वहाँ से आपको इसको कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ तक सीधी सिलाई आ गई, जहाँ आपकी पॉलीथीन खत्म हो रही है वहाँ तक सीधा लेना है और फिर टर्न लेके वापस से स्टार्ट कर देना है। अब हमने ये जो कपड़ा और ये पॉलीथीन है इसको जोड़ लिया है। ये चारों तरफ से हमने इसमें सिलाई लगा ली है। ये पीछे हमारी आप देखिए पॉलीथीन है और ये आगे हमारा ये सूती कपड़ा है बैग वाला। अब इसके अंदर हमें ये चैन लगानी है। इसमें हमने पहले से इसके अंदर ये रैनर पोली है जिससे हमें डालने में दिक्कत ना होगी।
अब ये जो हमने ये लंबा सा ये पॉलीथीन और कपड़े को जोड़ा है बैग के, इसको हम चैन लगानी, इसको बराबर ऐसे कर लेंगे, एक सा हाथ से दबा के एक सा करेंगे। अब चैन लगाने के लिए हमें जैसे ये सीधी साइड है इसका उल्टा रख के हम इस पर सिलाई करेंगे। अब इसमें हम दोनों चैन और कपड़े को मिला के इस पर सिलाई डालना चालू करेंगे। सीधी सीधी हमको इसमें सिलाई डालनी है। जैसे इसमें हमें अभी धागा टूट गया है, अभी हम इसके अंदर धागा डालते हैं। अब ये देखिए हमने इसको चैन लगा ली है। इसको पहले हमने बताया था आपको टेढ़ी इसको करना है, फिर एक सिलाई हमने इस पर ऊपर से मार ली है और ये इस तरह का रहना है। तो ये इस पहले पार्ट पे हमारी चैन लग गई है। अब हम इसको और इसको मिला के दोनों को सिल लेंगे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। इस पे हम सीधी सिलाई डालनी है हमको। ये दोनों चारों पी हमारे जो पार्ट्स हैं इन इसके अंदर मिल जाने चाहिए। धीरे धीरे करते हुए सिलेंगे। जैसे थोड़ा रहना है हमें सिलाई में दिक्कत होती है तो इसको थोड़ा सा आगे खिसका के फिर सीधा सिलाई मारेंगे। तो ये देखिए इस तरह से अंदर से ये सिल जाएगा। अब हम इसको खोल के पलट लेंगे। ऐसे खुल लीजिए, चैन समय खोल लीजिए तो ये खुल के इस रूप में आ जाएगा आपका, दिख रहा है। अब हम चाह रहे हैं कि इस पर हम सिलाई मार लें, तो इसके लिए इस तरह से ये आ जाएगा। वापस से हमको इसको पलट के सिलाई डालनी, क्योंकि हमें इसको बंद करना है दोनों को। तो ये पीछे से पलट के दोनों तरफ से हम इसे सिलाई डालेंगे। ये एक फासला से हमारा जो कुर्ता है इसके हिसाब से इसमें नहीं होगी। अब जैसे बीच में ये पॉलीथीन अटक जाती है तो इसको हल्का सा सही कर लेंगे। इसी तरह हम ये दूसरी साइड का सिलेंगे। अब इसमें जैसे ये एक्स्ट्रा हिस्सा है ये आगे पीछे हो रहा है तो इसको हम कटिंग कर देंगे। इसे इसका एक सा कटिंग। ये हमारे चारों तरह से हो गया। अब ये जो वेस्ट हमारा है इसको हम
चाहें तो कट कर सकते हैं, जिससे एक सी फिनिशिंग आएगी हमारे वेस्ट पर। हमने ये निकाल दिया। अब बीच का ही हमने करा है, इसको इस तरह से ओपन कर देंगे और इसको धीरे धीरे हल्के हाथ से इसको हम ओपन करेंगे, खोलेंगे। ये ऐसे इस तरह से खोलेंगे, इसके चारों कोने दबाते हुए एक से फिंगर से हम इसे इस तरह से कोने से निकालेंगे, जिससे कि ये बिल्कुल ये बन जाएगा। हल्का हल्का इसको हाथ से प्रेस करेंगे और इस जेब को ऐसे दें। तो ये देखिए हमारा एक छोटा सा ये बैग बन के तैयार हो गया है। ये कितना सुंदर लग रहा है, इसमें आप कुछ भी अपना सामान इसमें डाल सकते हैं। छोटे से पेपर्स वगैरह होते हैं वो आप डेली यूज के डाल सकते हैं, या कोई भी अपना कुछ भी इसमें सॉक्स वगैरह या कुछ आइटम्स डाल सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और मेरे टैग प्रीति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।